हेलो गाइस, कैसे हो सब लोग। आज हम आपको बताएंगे आरबी एन टी पी सी सी बी टी टू को लास्ट के 2 महीने में क्या प्रिपेयर करें क्या नहीं। यहाँ पे भी दो टाइप के लोग आते हैं, एक जो अभी कंटिन्यू रख रहे थे पढ़ाई, जिनको मतलब 70+ मार्क्स आ रहे होंगे, जो श्योर थे कि पेपर है, उन्होंने तो लगभग सिलेबस रिवाइज करके काफ़ी मॉक टेस्ट लगा लिए होंगे। मैं आपको प्रेफर करूँगा कि आप टेस्ट बुक के ही मॉक लगाएं, क्योंकि वहाँ पर बहुत बढ़िया है अच्छे, और मैक्सिमम लोग यही प्रेफर कर रहे हैं, जिससे आपको अपना कंपटीशन पर आसानी से पता चल जाएगा। अच्छा, और जिसने 70+ किया है वो कुछ मत करें, वो रिवाइज़ करें जितना कर सकते हैं, और मॉक लगाएं जितने मॉक लगा सकते हैं उतने लगाएं, क्योंकि वो ही बेटर उनको स्कोर करने में। दूसरी तरफ कुछ वो बच्चे हैं जिन्होंने अभी खुद डिसाइड नहीं किया है कि CBT 1 क्लियर होना है नहीं है, जिनको पता ही नहीं है कुछ, वो बच्चे अभी क्या कर सकते हैं, जो अगर CBT 1 तुक्के से क्लियर होता है तो उनको भैया बहुत मेहनत करने की ज़रूरत है, तो चांसेस बहुत कम है। अगर CBT 1 में मेहनत कर रही है तो उनको रिवाइज़ करो, और रिवाइज़ करने के बाद जितने हो सके उतने मॉक लगाओ, हर 2 दिन में एक मॉक लगाओ, कम से कम 30 फुल मॉक लगा के जाओ पेपर में। इससे तुम्हें रिविज़न भी हो जाएगी, तुम्हारे कंसेप्ट जो वीक ने अपनी वीकनेस पर काम भी करो, तभी पॉसिबिलिटी है कि कर पाओगे, वैसे तो 2 महीने में नहीं तो मुश्किल है। ऑल द बेस्ट, यही कर सकते हैं अब लास्ट के 2 महीने में, अपने नोट्स रिवाइज करो जितने कर सकते हो बस। थैंक यू गाइस।